आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स, फ्रैक्शंस की टाइप्स, परफेक्ट नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट। फर्स्ट जो है वो फैक्टर्स क्या होते हैं? अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर कम्प्लीटली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, कि जिसमें ऐसा नंबर कि जो दूसरे नंबर को जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, उसके रिमाइंडर में जो है वो कोई भी वैल्यू जो ना आए उसे हम कहते हैं इसका फैक्टर है। लेट 35 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, 35 डिवाइड 5, 5 7 जा 35, तो इसके रिमाइंडर में कोई भी अमाउंट जो है वो नहीं आ रही, तो इसका जो है वो क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, इसमें 7 और 5 जो है वो 35 के फैक्टर्स हैं। अगर आप 35 को 5 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 ही आएगा, और अगर 7 से करेंगे तो भी रिमाइंडर जो है वो 0 ही आएगा। और अगर हम 35 की बात करें तो 35 जो है वो 7 एंड 5 का मल्टीपल है। मल्टीपल मीन 5 के टेबल, 5 35 जो है वो 7 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की टू टाइप्स होती हैं, एक प्रॉपर होती है और दूसरी जो है वो इम्प्रॉपर होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन में नॉमिनेटर जो है वो स्मॉलर होता है और इम्प्रॉपर में नॉमिनेटर जो है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। फैक्टर्स जो है वो बिलो एंड इटसेल्फ एंड वन होते हैं, मींस कि अपने आप से जो है वो कम होते हैं, उसमें वो खुद नंबर भी ऐड होते हैं और उसमें वन भी आ जाता है। मल्टीपल्स में नंबर खुद आता है और उससे जो है वो ग्रेटर नंबर आते हैं। मींस अगर हम 3 के मल्टीपल्स राइट करें तो 3 के मल्टीपल्स में आ जाएगा 3, 6, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, प्राइम नंबर्स है नेक्स्ट। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिसके फैक्टर जो है वो वन होता है और इसके अलावा नंबर जो है वो इटसेल्फ होता है। ठीक है, ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते सिवाय वन के और अपने आप के। 135 जो है इसको हमने बताना है, 135 है इसके अपने फैक्टर्स राइट करने हैं। जो है वो इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन जो है वो हर एक का फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर जो है वो अपने आप का फैक्टर होता है। ईजी मीन्स के लेट करें 8 है, 8 वन एट ज़ा 8, ठीक है, और 8 के नेक्स्ट फैक्टर बनाएंगे तो 2 4 ज़ा 8, 1 2 4 एंड 8, 1 2 4 एंड 8 जो है वो 8 के फैक्टर्स हैं। परफेक्ट नंबर्स हूज फैक्टर्स अदर देन द नंबर इटसेल्फ व्हेन सम टोटल द नंबर इटसेल्फ, मींस के ऐसे फैक्टर परफेक्ट नंबर्स ऐसे कहते हैं कि जिसके फैक्टर्स जो हैं वो अदर देन हो नंबर के, और उनको अगर हम प्लस करें तो उनका नंबर जो है वो खुद ही बन जाए। मींस के लेट 6 है तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2 एंड 3 इसके फैक्टर्स हैं, तो अगर हम इसको सम अप करें तो नंबर अगेन से वही बन रहा है जो हमारे पास था, तो 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है। नेक्स्ट है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17, हमने 17 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, मीन्स आपने 17 का टेबल लिखना है लेकिन लिखना है आपने 5 तक। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है 2, 0, 9 एंड 1 की। तो टू स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जो है वो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि 2 से अगर हम नंबर को कैसे डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं 3, 5, 6 एंड 11 से। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो स्टूडेंट्स द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 0, 4, 6 एंड 8, कि यूनिट प्लेस पे नंबर के जो है वो 0, 2, 4, 6 एंड 8 आना चाहिए। तो इसके वंस प्लेस पे स्टूडेंट्स 1 आ रहा है, यहाँ पे 0, 2, 4, 8, 6, 8 में से कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है 3 से डिविजिबिलिटी, अगर आपने चेक करनी है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कि अगर हम उसके डिजिट्स को सम अप करें तो वह नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम 2, 0, 9, 1 को प्लस करें तो आ रहा है 12 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, 3, 4 ज़ा 12। तो इसके लिए ये वाला डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हम सेम 9 के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका 5, एंडिंग नंबर जो है वो इधर 0 और 5 होना चाहिए, मींस के लास्ट जो है वो यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो 1 आ रहा है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करनी है डिविजिबिलिटी 6 की, इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, अगर 2 और 3 से नंबर डिवाइड हो रहा है तो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा।
थ्री के लिए चेक करेंगे तो उसको प्लस करेंगे, टू के लिए चेक करेंगे तो उसकी लास्ट प्लेस वैल्यू पे टू का टेबल होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 ना। ये थ्री से हो रहा है लेकिन टू से नहीं हो रहा, तो अगर दोनों कंडीशंस जो है वो इसे लाइक कर रही होंगी तो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें एक कंडीशन जो है वो लाइक कर रही है लेकिन सेकंड नहीं कर रही, तो नंबर जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 11 की डिफरेंस बिटवीन सम्स ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स इज ईदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। इसमें आपने जो है वो ऑड प्लेसेस ले लेनी है और इवन प्लेसेस ले लेनी है। इसकी ऑड प्लेसेस जो है वो 0 और 1 है, इवन प्लेसेस इसकी 9 और 2 है। आपने ऑड प्लेसेस को सम अप करना है और इवन प्लेसेस को सम अप करना है। ऑड प्लेसेस को करेंगे तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इवन प्लेसेस को करेंगे 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 11 माइनस 1 10 आ जाएगा, लेकिन 10 जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं है, इस वजह से ये नंबर जो है वो 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। स्टूडेंट्स ये जो है होपफुली कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो काइंडली वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अल्लाह हाफिज़।